गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो चिल्ड्रेन, टुडे इज़ आवर हिंदी क्लास, ओके? सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 136, ओके? आपको पेज नंबर 136 पर क्या करना है, यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है। आपको दो वर्णों से जुड़े कुछ शब्द लिखने हैं, दो वर्णों मतलब दो अक्षरों से, और तीन वर्णों से जुड़े कुछ शब्द लिखने हैं, और चार वर्णों से जुड़े हुए शब्द लिखने हैं। वर्ण बोलते हैं अक्षर को, ठीक है बच्चों? तो हमने दो, तीन और चार अक्षर के सारे शब्द बनाना सीख चुके हैं। तो हम आज कुछ और नए शब्द लिखेंगे, जैसे दो वर्णों से जुड़े कुछ शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट ब टब, ओके? उसके बाद है फ ल फल, और त न तन, र स रस, फिर ग ज गज, गज बोलते हैं हाथी को, ठीक है, गज। म ग मग, तो ये अभी हमने लिखे दो अक्षर के शब्द। अब यहाँ हमें लिखने हैं तीन अक्षर के, तीन वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, ठीक है? तो तीन के लिखेंगे हम। तो पहला हम लिखेंगे भ ग त, भगत, ठीक है? फिर च म क, चमक। इसके बाद है स ड क, सड़क। फिर प ल क, पलक। फिर स फ ल, सफल। यहाँ लिखेंगे ड ग र, डगर, ठीक है बच्चों? अब हमने क्या लिख लिए, तीन अक्षर के शब्द। अब हम यहाँ लिखेंगे चार अक्षर के शब्द। तो चार अक्षर के शब्द लिखेंगे, तो पहला है प न घ ट, पनघट, पनघट। फिर क ट ह ल, कटहल। उसके बाद ट म ट म, टम टम, टम टम मतलब टांगा। फिर म र ह म, मरहम, मरहम मतलब दवाई, दवाई लगाना, जैसे मरहम लगाना, ओके, मरहम। फिर
पत प त झ झ ड पतझड़ मतलब ये सीज़न होता है पतझड़, ऑटम बोलते हैं ना हम इंग्लिश में, हिंदी में पतझड़ बोलते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे लिखेंगे आप न ट ख ट नट खट। तो हमने दो अक्षर के, तीन अक्षर के और चार अक्षर के शब्द लिखे। तो ये पेज आपको अपनी बुक में करना है 136, और नोटबुक में आपको ये वर्क करना है। इसमें आपको क्या करना है, चित्र देखकर वाक्य पूरा करें। तो यहाँ वाक्य लिखे हुए हैं मगर अधूरे हैं, यहाँ पर ये खाली स्थान है जिसमें आपको चित्र को पहचानना है और यहाँ पर उसका शब्द लिखना है। तो यहाँ पर ये क्या चित्र बना है बच्चों, कलश। कलश जो पूजा होती है ना, हवन होता है घर में, तो वहाँ पर हम ये कलश रखते हैं ना, पूजा जब होती है घर में कलश। तो यहाँ लिखेंगे क ल श कलश, इधर रख। ठीक है, उसके बाद अगला वाक्य है पवन पवन पवन। ये क्या है बच्चों, इस पर क्या बनी हुई है, ये हनी बी मधुमक्खी। क्यों बनी है, क्योंकि ये है शहद, शहद। पवन श है ह द शहद चख, पवन शहद चख। ठीक है, अब अगला वाक्य है च म न चमन। यह है, ये क्या है बच्चों, क्या चित्र बना हुआ है, थर्मस। थर्मस थ र म स थर्मस, पकड़ पकड़ चमन, यह है थर्मस पकड़। अगला वाक्य है, यहाँ जगह खाली है तो पहले चित्र पहचानेंगे, कौन सा चित्र है बच्चों, ये क्या बना हुआ है, नल। तो यहाँ पर लिखेंगे न ल नल पर जल भर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपको ये चित्र पहचान कर और यहाँ पर शब्द लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होमवर्क है, आपको नोटबुक में करना है और बुक में पेज 100 पेज नंबर 136 करना है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।